अस्सलामुअलैकुम प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तलफा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी हेडलाइंस। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा, कंपनीज 12 अप्रैल तक तजावीज़ जमा करवा सकती हैं। पिंडी ट्रैफिक पुलिस ने ई पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया। CDA ने रियासती अराजी को तजावजात से बचाने के लिए पिकेट नस्ब कर दी है। फाल टेस्ट दहिंदगान की तादाद 30% कम हो गई। अब खबरें तफसील के साथ। कमिश्नर रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद महमूद ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रावलपिंडी रिंग रोड का ठेका हासिल करने में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 12 अप्रैल तक अपनी तजावीज़ पेश कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो बोली की तजावीज़ का जायज़ा लेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टिकट की इलेक्ट्रॉनिक अदायगी शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इस ई अदायगी का निज़ाम शुरू करने में मदद की। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन मकामात को तजावजात से बचाने के लिए मार्ग लाहिर सैदपुर विलेज, शाह लादित्ता केव्स, चौंतरा और बरी माम में मुस्तकिल पिकेट नस्ब की हैं। मुल्क में फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद में 30% कमी वाक़ हो गई। फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद तकरीबन 22 लाख रह गई। गुज़िश्ता रोज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त बराए 2021 जारी की, जिसके मुताबिक फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद में 9,35,000 की कमी आई है। प्रॉपर्टी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।